नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ये है कि आज जिस तरीके से ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल का जो है आह्वान किया हुआ था कि आज पूरा जो जम्मू कश्मीर है चक्का जाम रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच में रात 2:30 बजे तक जो बातचीत चली, उसका नतीजा ये निकला कि ट्रांसपोर्टरों की 4 से 5 मांगे जो हैं सरकार ने मान ली हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। और सबसे मुख्य जो मांग थी कि जो ट्रैकिंग डिवाइस, जो एक कंपनी यहां पे जिसने कि ठेका लिया हुआ है, पहले उनका कहना था कि वो ट्रैकिंग डिवाइस हर गाड़ी पे लगेगा और वो महंगा था, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर काफ़ी रोष में थे। उसको लेकर ये चक्का जाम करने की जो मुहिम थी वो छेड़ी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए अब साफ कर दिया हुआ है कि उस कंपनी का ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया जाएगा। ट्रैकिंग डिवाइस का अभी 2 और 3 महीने का जो वक्फा है वो पड़ गया है, लेकिन अब जो और मांगे थी उनकी, जिस तरीके से पैसेंजर टैक्स की बात थी, क्योंकि पैसेंजर टैक्स कोरोना के चलते इन गाड़ियों के ऊपर काफ़ी बढ़ चढ़ चुका था, लेकिन अब सरकार ने 6 किस्तों में, जी हाँ मैं आपको बता दूं कि 6 किस्तों में ये पैसेंजर टैक्स अब गाड़ी वाले किस्तों में वो भरेंगे, एक साथ उनको नहीं भरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से गाड़ी की पासिंग की जाती थी, पासिंग को रोका जाता था क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस और पैसेंजर टैक्स के ज़रिए जो गाड़ियों की पासिंग नहीं हो रही थी, अब बिना उनके भी पासिंग हो सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में प्रशासन और जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके बीच में किस तरीके की बात होती है और किस तरीके के जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन जो है, जो हड़ताल थी, ट्रांसपोर्टरों द्वारा वापस ले ली गई है। जो गाड़ियां हैं अपनी सड़कों पर दौड़ रही हैं। हालांकि रात 2:30 बजे इस खबर का चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस वक्त जो खबर हम चला रहे हैं यही है कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर्स हैं अपनी हड़ताल वापस ले चुके हैं और गाड़ियां जो हैं सड़कों पर धनाधन दौड़ रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में प्रशासन और ट्रांसपोर्टरों के बीच में और किस तरीके की बात होती है और किस तरीके की मांगे मानी जाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। जैसे कोई और अपडेट होगी हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको जो न्यूज ब्रेक में बात करेंगे, जो कल सोपोर के मेन टाउन में जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक सब डिविजन आ रहा है, वहां पर कल एक महिला ने एक बुर्का पोस्ट जो है उसने कल एक पेट्रोल बम जो है वो सीआरपी बैंकर पर फेंका है, लेकिन तुरंत सीआरपीएफ के जो अधिकारी उनने तुरंत कार्रवाई करके उस आग को बुझा दिया, लेकिन वरना तो वो एक बड़ा सा वहां पर खतरा जो है वो सीआरपी जवान ने टाल दिया है। लेकिन आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक उन्होंने आज सुबह ही कहा कि जो बुर्का पोश खवातीन थी उसको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन जल्द अज जल्द हम उसको गिरफ्तार करेंगे। आप बने रहे जेके न्यूज ब्रेक के साथ, हम आप तक तरीन तफसीत पहुंचाते। आखिर मतलब आपको जेके न्यूज ब्रेक में बात करेंगे, जो इनकाउंटर रैनावरी श्रीनगर में हुआ है, वहां पर 2 जो है उनको वहां पर हलाक किया गया। आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक वहां पर एक उन्हें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली, जिस इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया है। जो श्रीनगर पुलिस, सीआरपीएफ और नीम फौजी दस्ते हैं, उन्होंने पूरे इलाके को कार्डन में लिया है और बाद में उनने सर्च अभियान जो चलाया, फिर एक जो सर्च अभियान है वो एक झड़प में तब्दील हुआ, जिसमें 2 लोकल मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। लेकिन आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक वहां पर एक जो पहले एक जर्नलिस्ट वो हुआ करता था अपने जमाने में, लेकिन बाद में उसने मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है। उसके बाद फौरन कल रैनावारी को जो रात देर गए तक एनकाउंटर चला, जिसमें दोनों को ही मार गिराया गया। आप बने रहिए जेके न्यूज ब्रेक के साथ, हम आप तक ताज़तरीन तफसीलात बताते रहेंगे। रूपनगर सेक्टर 6 के लाटी, हाँ, तो इसलिए हम यहाँ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें देखिए, ये 1 दिसंबर 2021 का फैसला है हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का, जिसमें जिस अलाटी ने वहाँ पर जो एनक्रोचर था उसने अपील की थी, जिसकी अपील को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और हमें वो साफ कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये उस बंदे का उसमें कोई हक नहीं है, ये अलाटीज को प्लाट दिए जाएँ। तब से आज 4 महीने हो गए, हम 4 महीनों से JDA के चक्कर काट रहे हैं, ड्यू काम के चक्कर काट रहे हैं, DC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उसका पोजेशन नहीं मिला। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक कीमती वक्त निकाल के तो मेरे पास आए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें बहुत खुशी है अपनी पार्टी की कि हमने दिल्ली में भी क्लीन स्वीप किया और पंजाब में तो बहुत ही क्लीन स्वीप किया, बड़ी बड़ी जो नेता थे उनको हमारी पार्टी ने धूल चटवा दी है।
इंशाल्लाह हमारा यही कोशिश ही रहेगी नेक्स्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जब भी अनाउंस होते हैं तो हमारी पार्टी जो है वो अच्छे काम करेगी। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो बुनियाद है वो 6 मई को ख़त्म हो रही है और 6 मई को ख़त्म होने के बाद विद इन नेक्स्ट 6 मंथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था पीछे कि 6 से 8 महीने के अंदर हम इलेक्शन होल्ड करेंगे। तो हम यही प्रज्यूम करके चलते हैं कि आने वाले मई के बाद नवंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और होने भी चाहिए। मतलब हमें कास्टिज्म पे लड़ाया जा रहा है, कभी हमें रिलीजन पे लड़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों से हट के ना हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार। चलो माना कोई 5वीं 10वीं कुछ भी पढ़े लिखे हुए हैं, कैसे भी पढ़े हैं, लेकिन है यार हम लोगों के अंदर थोड़ी नॉलेज है और हम लोगों को ना ये पॉइंट्स अपने दिमाग से मतलब हम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का जिला सदर पुंछ अशफाक राणा था और कुछ दिनों से मैंने वो पैंथर्स पार्टी छोड़ के कुछ मिनिस्टरों को साथ लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी में और खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हर आदमी इसमें आप है और हम सब ने आम आदमी बन के अवाम की खिदमत करनी है। देर से आए दुरुस्त आए, मेरा कहने का मकसद आम आदमी पार्टी आम इंसान का दर्द रखने वाली पार्टी, आम इंसान की जरूरियात को मद्देनजर रखने वाली पार्टी, बुजुर्गों और बच्चों और हमारे बेसिकली हम लोग निकले थे जो डेवलपमेंट वर्क्स हमारे हॉल्ट के आगे हैं, थोड़ा कंप्लेन था लोगों का कि स्लो वर्क चल रहा है हमारे मेन बाजार का, वो थोड़ा सा हम इंस्पेक्शन कर रहे थे कि मेन रीजंस हैं क्या कि ये क्यों स्लो वर्क चल रहा है, क्या रीजंस हैं, बट अल्टीमेटली हमने स्पॉट पे आके देखा काम की रफ्तार ठीक है, कुछ जगहों पे है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी नवरात्रा जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मार्केट जो है थोड़ी क्लीन लगे, तो सभी से हमने अपील की और थोड़ा हमारा भी कलेक्टिव एफर्ट रहेगा कि मार्केट को क्लीन करें, लेकिन मार्केट वालों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि इतने सालों के बाद अगर अब हम डेवलपमेंट के काम पे आए हैं तो थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम मार्केट को अच्छे से डेवलप कर सके, अब आने वाले सीजन में ताकि हमारी यात्रा भी अच्छी हो और लोगों को भी अच्छा हमारा बाजार दिखे। बेसिकली क्या है कि इस वार्ड में क्या था, ये शुरू से कंजस्टेड वार्ड रहा, इशूज ये थे हमारे कि हमारे पास कोई छोटा व्हीकल नहीं था जिससे हम इसको उठा सकते थे तो हमें मैनुअल ही पिक करना पड़ता था, लेकिन सर मैं पुष्पाल सिंह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चेयरमैन उधमपुर, हमारी जो मांगें थी कि जीपीएस गाड़ी को नहीं लगना चाहिए उसकी वजह से आज हमने हड़ताल रखी थी, लेकिन पैसेंजर टैक्स है जो वो हम भर नहीं पाएंगे, हमारी एक गाड़ी का 40 और 50 के बीच पैसेंजर टैक्स बनता है वो हम भर नहीं पाएंगे, ये हमारी मांग थी पैसेंजर टैक्स माफ़ किया जाए और जो गाड़ियां हमारी कोविड में 2 साल नहीं चली गवर्नमेंट हमसे उनका भी पैसेंजर टैक्स चार्ज कर रही है, हमने बोला था भाई वो हमें जो 2 साल का है आपने हमें सवारी 2 साल में बोला था भाई 50% सवारी उठाओ आप, हमारे से 50% की पैसेंजर टैक्स का चार्ज करें वो 100% चार्ज कर रहे हैं, और जो पैसेंजर टैक्स है वो हम इतना नहीं दे पाएंगे। रात को 10 बजे जम्मू में डिवीजनल कमिश्नर के उधर मीटिंग हुई है, डिबकाम में मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा भाई आप पैसेंजर टैक्स है जो वो किस्तों में पे करो और जो आपका जीपीएस है उसकी 3 महीने के लिए
उसको रद्द किया गया। अभी तीन महीने के कोई टेंशन को लेकर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद। देखिए ये प्रदर्शन नहीं, ये गवर्नमेंट की तारीफ करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये स्टेप लिया है, जो ऑर्डर निकाला है कल, जो कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते थे, हॉस्पिटल्स में जिन्होंने हमारे मरीजों की सेवा की, जिन्होंने सफाई का काम किया पूरे कोरोना काल में, उनको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी दी जाए, उनको सफाई वाला एक डेरोगेटरी वर्ड्स थे जो उनको बुलाए जाते थे, उनके लिए उन्होंने स्पेशल एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकाला जिनका उन्होंने नाम सैनिटरी वर्कर्स किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एलजी साहब को और हाउसिंग डेवलपमेंट के धीरज गुप्ता जी को। साथ ही मैं जितनी भी हम अभी हाल ही में नवंबर में एलजी साहब से मिले थे और उन्होंने ये हमारी सबसे पहली डिमांड थी जो उन्होंने पूरी की, दूसरी डिमांड थी कि एक मदर टेरेसा जो कि पीस का सिंबल है, जिन्होंने धर्म नहीं देखा कुछ नहीं देखा और हमेशा गरीबों की मदद की, उनके एक स्टैचू की हमें जगह दी जाए, उसका खर्चा ऑल जे एंड के क्रिश्चियन सभा और डायसीज चर्च डायसीज। पालन करें और आगे अपनी संतति को अपनी संतानों को भी से बांटें ताकि वो भी उन संस्कारों का पालन करें, वो उनका अनुपालन करेंगे तो तब क्या होगा, आप सही लालन पालन करना है, कितना टाइम कब उसे देना चाहिए वो उसका बनता है टाइम देना है। आजकल माता पिता की दौड़ क्या हो गई, हर माता पिता के मुख से एक ही शब्द निकलता है, सारा दिन कमाते हैं तो किसके लिए, बच्चों के लिए, ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके। खेलते फोन पे, आपको यूट्यूब चलानी आए ना आए, इंटरनेट का प्रयोग करना आए ना आए, बच्चों को आता है, कब डाउनलोड कर लेते हैं, कब वो उस पे खेलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, होता है पता चलता है आपको नहीं, जो सिस्टम फोन का आपको नहीं मान दिया, ये जरूरतें उनकी पूरी कर रहे हैं आप, हर महंगा गैजेट उनके हाथ में होता है, आप पूरा करते हैं उनकी डिमांड को, जानते हैं आप, बहनों को तो पता होगा, भाइयों को कम पता रहता है। इसका मसला है, ये हम रोड के हक में है, रोड बेहतरीन होनी चाहिए, मगर जो इसका मुआवजा या लैंड का है वो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, साज में 12 लाख रुपया दे रहे हैं, हमारे पास 3,75,000 उसमें भी 5% लेस करके दे रहे हैं, और बिल्कुल हम इसके रोड के गवर्नमेंट के हक में है, रोड हर आदमी के लिए फ़ायदे में है, तो हमारे लिए
रोड जो है बाबा गुलाम बादशाह की मेन रोड है, मुगल रोड के साथ टच होती है, ये बेहतरीन से बेहतरीन रोड बननी चाहिए। यहाँ नीचे ऊपर हो रहे हैं, यहाँ कुछ लोग में ऐसे देते हैं पैसे ऊपर हो जाओ और नीचे हो रहे, गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा ये घर का मसला है, घर के आगे बिल्कुल डंगा वाल प्लास्टर नहीं है और ज़मीन मेरी नीचे आ रही है। 2018 में जो भेड़ बकरी का मसला था वो फ्लड आया था, यहाँ कम से कम 4 दिन गाड़ी बंद रह गई थी बिल्कुल, और डीसी इकबाल साहब ने उन लोगों को मुआवजा दिया, कम से कम 50 बेड वालों को जो दिया गया, और ये हमको बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल ख़तरनाक हमारी तरफ। अब ये मसला है, ये जो डंगा है ये कंपनी वालों के पास जाते हैं, हम वाल प्रोडक्शन और दीवार के लिए, ये बोलती है कंपनी अब ग्रिप के पास जाओ। हमारी ये, हमने ये इंसानियत अपनी सोची है, रोड के लिए हमने बिल्कुल किसी को कुछ किया जा रहा है, और उसमें गवर्नमेंट ने हमें जो है 2 तारीख का जो है डेडलाइन फिक्स की है, जिसमें हमारे चेयरपर्सन बीडीसी के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी शायद मैंने वीडियो साहिबान को अदाई दी थी कि काउंसिल को पूरी बीडीसी मैडम के सरबराही में पूरे सरपंचों को बिठा के काउंसिल की एक मीटिंग की जाए, उसमें सारे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर या मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएमजीएसवाई, बीडीडी, पीडब्ल्यूडी, ये एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, हमारा एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरी, जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी जो जो भी स्कीम्स है और जो भी उनके पास इस सब डिविजन के लिए या इस एरिया के लिए जो भी फंड एलोकेट किए गए वो इनकी सरप्रस्ती में जो वहां पे इन पे डिसीजन लिया जाए, इस काम को क्या प्रायोरिटी देनी और कौन सा काम जो है इस बार हम उसको प्रायोरिटी देंगे। इसके साथ साथ आपने चूंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये पहली बार था, ई टेंडरिंग सिस्टम था, बंद करो, बंद करो, सड़कों को बेचना। देखिए जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 72 सालों से, और कहूँगा कि बहुत बेसब्री से अगर विकास और रोजगार का इंतजार कर रही थी तो वो 5 अगस्त 2019 के बाद, मगर ये 3 साल बीतने को हैं, हमें विकास रोजगार तो कहीं नहीं मिला, अगर मिला तो स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट। पहले हमें टोल प्लाजा ने लूटा गया जम्मू कश्मीर की जनता को, उसके बाद उससे जब हमें थोड़ी सी आदत पड़ी और राहत दी तो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के, और अब तो हद तब हो गई जब स्मार्ट पार्किंग के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है, सड़कों पर खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है। एक तरफ तो सरकार रेड़ी फड़ी वालों को सड़कों से बेघर करती है, बेदखल करती है कि ये अतिक्रमण के अंदर आता है, दूसरी तरफ वही सरकारी सड़कें जिनका जनता रोड टैक्स देती है उन सड़कों पर पार्किंग के नाम पर अतिक्रमण खुलेआम चल रहा है।